विद्युत जामवाल की फिल्म भाई साहब कल के दिन सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई है और बॉलीवुड के अंदर इतना ज्यादा अंडररेटेड एक्टर होने के बावजूद भी बधाई हो आप सभी लोगों को कि आम जनता ने इनकी इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पांस दिया है। और अभी तो माना यही जा रहा है कि ये पब्लिक रिस्पांस आने वाले दिनों में और भी बेहतरीन होने वाला है, जहां प्रोडक्शन और प्रमोशंस को मिलाकर इस फिल्म के पीछे फिल्म के मेकर्स ने अब तक 80 करोड़ रुपए खर्च किए हुए हैं, तो वहीं इस फिल्म ने अपने रिलीज के पहले ही दिन 4 करोड़ रुपयों की ओपनिंग ले ली है, जो कि बाकी बॉलीवुडियाई भांडों जैसे कि टाइगर श्रॉफ की फिल्मों से सीधा ही 2 गुना ज्यादा है भाई साहब। अब अगर आप लोगों को याद हो तो आज से कुछ वक्त पहले ही टाइगर श्रॉफ और प्रीति सेनन की गणपत नामक फिल्म आई थी, जिसके पीछे फिल्म मेकर्स ने 200 करोड़ रुपए फूंक दिए थे। इनकी इस फिल्म को पूरी की पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री ने जबरदस्त तरीके से सपोर्ट किया था और कई एक्टर्स तो ऐसे भी निकल गए थे जिन्होंने फ्री फंड में टाइगर श्रॉफ की फिल्म का प्रमोशन कर दिया था, लेकिन तब भी अपने बंदर भैया की फिल्म अपने रिलीज के पहले दिन महज 2 करोड़ रुपए ही कमा पाए। तो वहीं उसके उल्टे तरफ विद्युत जामवाल, जो कि एक आउटसाइडर है, बॉलीवुड के किसी बड़े खानदान से अपना ताल्लुक नहीं रखते हैं और ना ही इस इंडस्ट्री के अंदर उनका कोई गॉडफादर है और ना ही बॉलीवुड के कोई बड़े बड़े प्रोड्यूसर या डायरेक्टर इनको बहुत ज्यादा भाव बटा देते हैं, उसके बाद भी बिना किसी सपोर्ट के इनकी इस फिल्म क्रैक ने अपने पहले दिन 4 करोड़ रुपयों की ओपनिंग ले ली है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। अभी जितने भी लोग विद्युत जामवाल की फिल्म देखकर आए हैं ना, वो सारे के सारे इस फिल्म के रिलेटेड बढ़िया ही रिव्यूज दे रहे हैं। कोई इस फिल्म की कहानी की तारीफ कर रहा है तो कोई विद्युत जामवाल द्वारा किए गए फिल्म के अंदर एक्शन सीन्स को अप्रिशिएट कर रहा है। अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो अभी तक यही सुनने को आया है कि विद्युत जामवाल की यह फिल्म बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है और अगर किसी बड़े एक्टर के द्वारा इनकी इस फिल्म को प्रमोट कर दिया गया होता ना, तो आज ये जो हमें 4 करोड़ रुपयों का आंकड़ा देखने को मिला है ये उससे कई गुना ज्यादा होता। मगर प्रॉब्लम तो भाई साहब सबसे बड़ी यही है कि इनकी इस फिल्म को आखिर प्रमोट करेगा कौन, वो भी तब जब ये एक आउटसाइडर है। हाँ, वो बात दूसरी होती है अगर ये किसी बड़े घराने से ताल्लुक रखते या फिर इनका भी कोई जाना माना सरनेम होता तो ऐसा होना संभव भी था, पर बिना उसके तो कोई चारा ही नहीं है। फिल्म प्रमोट करना तो बहुत दूर की बात है भाई साहब, ये बॉलीवुडिया ही गंदे अंडे तो इसके जैसे आउटसाइडर को अपने मुंह तक नहीं लगाते। और बॉलीवुड के ऐसे कई बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने विद्युत जामवाल को अपने ऑफिस तक नहीं घुसने दिया। अब आप लोग जरा खुद ही एक बार गूगल करके देखो कि विद्युत जामवाल ने साल 2011 में अपना बॉलीवुड करियर स्टार्ट किया था और इन बीते 13 सालों में इनको कितना काम मिला है और बाकी के बॉलीवुडियाई भांडों को कितनी फिल्में ऑफर करी गई हैं। अरे विद्युत जामवाल से ज्यादा तो इस अर्जुन कपूर को काम मिला इस इंडस्ट्री के अंदर, उस अर्जुन कपूर को जिसने बीते 12 सालों में एक भी सुपरहिट फिल्म नहीं दी है। सुपरहिट तो छोड़ दीजिए भाई साहब, ये नमूना तो एक सेमी हिट फिल्म भी नहीं दे पाया है। इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है ना कि इसने अपने से 13 साल बड़ी सलमान खान की भाभी पटाई है और उससे भी ये शादी नहीं कर पा रहा। लखदीप अब इस लिस्ट में वरुण धवन, टाइगर श्रॉफ, आलिया भट्ट जैसे ढेरों नेपो किड्स के नाम शामिल है जिनके करियर्स विद्युत जामवाल के करियर के बाद स्टार्ट हुआ है। मगर फिर भी अगर विद्युत जामवाल को इन बीते 13 सालों में 15 हिंदी फिल्में ऑफर करी गई है ना, तो इन लोगों को 30-30, 40-40 फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। ये तो आप सभी लोगों को भी बड़े अच्छे से पता होगा कि इस बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर आउटसाइडर्स के साथ कैसा सुलूक किया जाता है। हर वक्त भाई साहब यही कोशिशें करी जाती हैं कि इन बाहर से आए हुए छोटे छोटे एक्टर्स को इस इंडस्ट्री से निकालकर बाहर फेंक दिया जाए। इसीलिए अब ये सारा कुछ आपके ही हाथों में कि विद्युत जामवाल जैसे एक्टर को सपोर्ट करें और इनको बड़ा बनने में अपना बहुमूल्य समर्थन दें।